हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मैथ का चैप्टर 4 देख रहे थे। हालांकि देख क्या रहे थे भैया, हम लोग तो सवाल बना रहे थे। हाँ, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बेसिकली 19 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो हम लोग आज वाला ये वाला जो वीडियो है, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं 20 और 21 नंबर। अगर आपसे ये बन गया है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं बना है तो फिर आइए बनाया जा, देखे कैसे नहीं बना आप लोगों से। ठीक है, तो अच्छा, सब लोग इस पर बहुत ब्रीफ में चर्चा करेंगे एक एक चीज़ों को। हालांकि सवाल से हम लोग, जो आपको पता है कि मेरा जो प्रोसेस रहता है, सवाल से ज़्यादा तो हम चर्चा ब्रीफ में चीज़ों को करते हैं कि वैसा कोई भी टाइप का सवाल आ जाए तो आप कर पाइएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने ये सब चैप्टर को ओवरऑल पढ़ा ही नहीं है तो फिर देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक कीजिए, पूरा बेसिकली जितना इस पर वीडियो है सब आपको मिल जाएगा। एक एक तो देखते आइए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे अपना। चलिए, फिर 20 नंबर देखिए, किताब खोल लीजिए। आज भैया नन्ना मुन्ना मत बोलिएगा। चलिए, आज नन्ना मुन्ना नहीं बोलेंगे। आप लोगों का जो बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा 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 बोलना उसको उचित नहीं होगा। जो भी आपका भूख है निकाल लीजिए। ठीक है, 20 नंबर देखिए क्या हुआ हम लोग का। 20 नंबर क्या बोल रहा है, घर में 3 किरोसिन तेल के ड्राम में क्रमशः 800 लीटर, 725 लीटर, 575 लीटर जल था। उन तीनों ड्राम को एक तेल के, तीनों ड्राम के तेल लीटर जल था, ठीक है, तीनों ड्रामों के तेल को का लिखना चाहे। तेल को एक घनाकार बर्तन में डाल दिया गया, इस बर्तन की गहराई इतनी हो जाए। तो यदि हम लोग का उस घन का बर्तन इतना हो, देखिए क्या बोल रहा है। एक घर है जिस घर में 3 गो तेल का ड्राम था, ठीक है, जिसमें जल कितना भरा हुआ था, 800 लीटर, 725 लीटर, 575 लीटर जल था। उसको उठा के किसी और डब्बा में, बड़ा सा डब्बा में डाल दिया गया, जिसका गहराई कितना होगा हम लोग का, 7 डेसीमीटर हो गई। यानी उसमें तेल का जो मात्रा रखे लो, यानी जो जल रखा गया, उसकी गहराई कितनी हो गई, 7 डेसीमीटर। और उसके बाद फिर हम लोग का उसका लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः अनुपात दे रखा है, और बाकी आपको कैलकुलेट करने बोला है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, और सब कैलकुलेट करो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की याद करें। आते हैं सवाल पे, पहले कुछ चीज़ें बात कर लिया जाए, मन की बातें हैं जो मन से समझ लिया जाए। भैया मन की बातें कैसी होती हैं, आपको हमने क्या सिखाया था बाबू, 1 decimeter cube = 1 liter। बेचारा इसको भी प्यास लग गया। या हम लोग आपके लिए इतना देर वेट करेंगे, कोई नहीं, ये वीडियो हम क्रॉप आउट कर देंगे जितना देर इंक रिफिल कर रहे हैं। चलिए, इसको हमने खाना पीना थोड़ा सा खिला दिया, अब अच्छा से काम करें। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या था हम लोग को पता था, ये 1 decimeter = 1 liter होता है। मतलब आपको अगर कोई 1000 decimeter बोलेगा, सॉरी 1000 liter बोलेगा, मतलब क्या समझिएगा, 1000 decimeter ये आयतन के फॉर्म में बात कर रहा है। तो ये हम लोग का चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब भैया इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें वही चीज़ बोला है ना, लीटर वीटर वगैरह यूज किया है, तो इसलिए हमें चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, बात समझिए। देखिए क्या बोला, ये घर में 3 किरोसिन तेल के डब्बे थे। हम लोग डब्बा थोड़ा बना लिया जाए, ठीक है, ऐसा ही डब्बा बनाइए, ठीक है, ऐसा कुछ डब्बा था, ये ऐसा डब्बा होता है, होता है, होता है, ये घनाकार वगैरह कुछ बोला है क्या, एक वो जिसमें डाला गया है वो है। चलिए, 3 डब्बे थे हमारे पास, क्या था भाऊ, 3 डब्बे थे। जनरली कैसा भी आप डब्बा बना लीजिए, पता है ये जो हम डब्बा बना रहे हैं ना, ये भी शेप आपको पढ़ना है। हाँ भैया, ये आपको 8 चैप्टर में पढ़ना है। मे बी पॉसिबल हो, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो इसके बाद हम लोग वही चैप्टर देखेंगे, अन्यथा आप लोग जो बोलिएगा वो चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या था बाबू, ऐसे 3 डब्बा था, ऐसा हम लोग का 3 डब्बा था। इसमें कितना लीटर तेल था, कितना लीटर जल था, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डब्बा 1 यानी D1, इसको डब्बा 2, D2 इसको डब्बा 3। इसमें हम लोग 800 लीटर पानी है, इसमें कितना हम लोग का 725 लीटर पानी है, ठीक है, इसमें कितना है 575 लीटर पानी है। अब इन तीनों जो तीनों ये तेल का ड्राम है, इस ड्राम को उठा के क्या किया गया हम लोग का, एक आयताकार बर्तन में हम लोगों ने, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है,
भैया इतना बड़ा डायग्राम। ठीक, इसको क्या करना है हम लोग को, इसको उठा के इसमें डालना है। तो इसमें ड्राम में देखिए, इसको आपको पहले उठाइएगा, इसको डाला आपने, इसमें कुछ मात्रा भरा होगा जल का, इसमें कुछ मतलब कितना मात्रा हो चुका होगा, 800 लीटर आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए फिर आप जब इसको उठा के डालेंगे तो और कितना चल जाएगा उन लोगों का, 725 लीटर और चल जाएगा, 725 लीटर और चल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग उठा के इसमें डाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 575 लीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस हौज में कुल मात्रा कितनी हो जाएगी हम लोग का। ठीक है, और ऊंचाई तो बोल रखा है कि ऊंचाई इसका कितना जा रहा है, जल कितना दूर तक भर रहा है, हमें जल 7 डेसीमीटर तक जल भर जा रहा है। ठीक है, अब इसका कुल जल की मात्रा कितनी हो चुकी होगी, 800 जोड़ी देते हम लोग, 5 कुल जल की मात्रा, 5 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 8 16 और 4 16 5 21 सौ लीटर, हाँ 21 सौ लीटर। ठीक है, 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10 7 5 12 और 12 8 21 की, ठीक है 21 सौ लीटर। यानी जब देखिए आपका ये इस ड्राम में 800 लीटर था, 750 लीटर, 725 लीटर, 575 लीटर, जब तीनों डालेंगे इस हौज में कितना जल की मात्रा आ चुकी होगी, 2100 लीटर जल की मात्रा आ चुकी होगी। अब देखिए हम लोग बात समझते हैं, सबसे पहले तो आप दिया हुआ लिख लीजिएगा, प्रथम ड्राम में जल की मात्रा, द्वितीय ड्राम में जल की मात्रा, तृतीय ड्राम में जल की मात्रा, हमने क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना जगह ही नहीं है। दिया गया है कि इसको पहले दिया गया को ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, प्रथम ड्राम में जल की मात्रा, जल की मात्रा इज इक्वल टू 800 लीटर, द्वितीय ड्राम में जल की मात्रा 775 लीटर, तृतीय यानी सेकेंड ड्राम है, ये फर्स्ट ड्राम है, ये थर्ड ड्राम है, तृतीय ड्राम में जल की मात्रा इज इक्वल टू 575 लीटर। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए तीनों ड्राम का जल हौज में डालने के बाद, तीनों ड्राम का जल घनाकार हौज या क्या बोला है, घनाकार बर्तन, आयत घनाकार बर्तन में डाल, तीनों ड्राम का जल आयत घनाकार बर्तन में डालने के बाद, आयत घनाकार बर्तन में जल की मात्रा, आयत घनाकार बर्तन में जल की मात्रा, जल की मात्रा क्या हो जाएगी बाबू, ये टोटल जोड़ दीजिए, 800 प्लस 725 प्लस 575 यानी कितना आ रहा था, 2100 लीटर ऊपर दिखाया हमने ना। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, अब यहाँ से एक बात बताइए, तो हम लोग यहाँ पे आयत घनाकार बर्तन का जो जल की मात्रा है, यहाँ से हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा दे तो हमें थोड़ा ज़्यादा जगह मिलेगा, तो जब ज़्यादा जगह मिलेगा तो हम लोग आराम से कर पाएंगे, मिटाने मिटाने का शायद ज़रूरत ना पड़े, इतना हम लोग यार करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया बाबू, आयत घनाकार बर्तन जो है उसमें जल की मात्रा इतनी है 2100 लीटर। अब यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, क्या आयत घनाकार जो बर्तन है उसका आयतन कितना होगा, आयत घनाकार बर्तन का आयतन, कितना होगा बोलिए, तो ये क्या होगा, 2100 डेसीमीटर होगा। क्यों, चूंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसलिए हम लोग क्या आ रहा है, 2100 लीटर आ, तो 2100 डेसीमीटर लिख सकते हैं। ये हमें अब यहाँ तक का डाटा मिल गया, अब इसके बाद हम लोग फर्दर डाटा में बात करेंगे, ओवरऑल हमें इसका आयतन चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने बोल, जो भी लंबाई चौड़ाई निकालने बोला मतलब इसका आयतन हमें जाना चाहिए था, तो हम लोग आयतन तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फर्दर आगे क्या डाटा दिया है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें, बर्तन में तेल की गहराई यानी बर्तन की गहराई बोल सकते हैं हम लोग, यानी जो भी है इसका आयतन में गहराई हम लोग बोल सकते हैं,
बर्तन की गहराई इसको कितना होगा हमें 7 डेसीमीटर। ये भी क्या गया दिया गया है, ये भी दिया गया हमें दिया गया है। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एक बात देखिएगा, इसने चौड़ाई भी दे रखा है और लंबाई भी दे रखा है लेकिन अनुपात में दे रखा है। अनुपात वाला को हम लोग क्या करें भैया, देखिए एक बात देखिए ध्यान से समझने का आप कोशिश कीजिएगा। अनुपात तो वैसा, हालांकि हमने फिर एक बार और भी चर्चा किया था और 5 चैप्टर हमारा अनुपात ही पढ़ना है, अनुपात समानुपात, तो वहाँ बहुत ब्रीफ में बात करेंगे लेकिन क्लियर हो जाइएगा आप एक एक चीज़ों को। लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है चूंकि, तो हम लोग थोड़ा सा हल्का में देख लेते हैं अनुपात का ओवरऑल मतलब क्या होता है। देखिए अगर कोई आपसे लिख दिया 2:4 मतलब इसको हम लोग चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1:2 में, यानी एक संख्या सेम संख्या से दोनों में भागा देना है, सेम संख्या से दोनों में हमें भागा देना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 4:8। ओवरऑल अनुपात का मतलब यू बोले तो ये होता है 1/2 = 2/4 = 4/8। ये देखिए तीनों बराबर नहीं है, मतलब ये तो जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, नहीं 2 से गया 1 बार 2 = 4, 4 से गया 1 बार 4 = 8, यानी 1/2 आ जाएगा। इसलिए हम लोग का अनुपात जो होता है, हम लोग अनुपात जब लिखा रहता है ना तो इसका मान हम लोग ये नहीं मान सकते कि लाइक आप नहीं बोल सकते कि हम जैसे वहाँ पे क्या दिया था लंबाई चौड़ाई का जो भी अनुपात दिया था, आप नहीं बोल सकते कि लंबाई 1 है चौड़ाई 2 है, क्यों, क्योंकि ये किसी का भी मान हो सकता है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग काम कर सकते हैं कि जो लंबाई = ऐसा हम लोग 2x कर देंगे अगर इसके लिए तो, और इसके लिए हम चौड़ाई क्या कर देंगे 4x कर देंगे। अब x का मान ये कोई भी कोफिशिएंट वगैरह बहुत ब्रीफ में चर्चा करेंगे, सीधा बात समझिए, अभी इतना समझिए कि जब हम लोग का अनुपात आता है तो हम लोग क्या करेंगे उसके साथ एक वेरिएबल x मान लेते हैं, हम लोग ये क्या करते हैं वो वेरिएबल x मान लेते हैं, बस सुन भाई ठीक है। अब ये क्यों मानते हैं हम लोग बहुत ब्रीफ में, जब 5 चैप्टर अपना देख रहे होंगे तो वहाँ से आप लोग को खुद से आइडिया लग जाएगा, नहीं लगा तो फिर हम स्पेशल एक सेपरेट करके आप लोग से उस पर चर्चा करेंगे इस पर कि क्यों हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, क्या दिया हुआ लंबाई अनुपात चौड़ाई इज इक्वल टू 4:3। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये भी दिया गया है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, इसलिए लंबाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बाबू 4x माना, चौड़ाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x माना। अब बात समझिए, आपको ओवरऑल लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई है, आयतन मिल गया, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, बाकी सब तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो हम कैलकुलेशन से बर्तन का आयतन निकालेंगे वही वाला आयतन आना है, आयत घनाकार बर्तन का आयतन, आयत घनाकार बर्तन का आयतन, का आयतन दिख रहा है आपको, आयतन क्या होगा हमारे पास 2100 डेसीमीटर, 2100 डेसीमीटर क्यूब है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई इसका क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इज इक्वल टू 2100 डेसीमीटर क्यूब। लंबाई कितना होगा बताइए, तो हमारे पास 4x भैया इंटू चौड़ाई कितना है 3x और हम लोग का ऊंचाई क्या गहराई कितना है 7 इज इक्वल टू 2100। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बाबू, 4x इंटू 3x इज इक्वल टू हम लोग 2100 बाई में 7 भेज सकते हैं, गुणा में भागा में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4×12x² इज इक्वल टू ये कट गया यानी 300। अब यहाँ देखिए हम लोग इसको भेज सकते हैं x² जोड़ क्या लिख सकते हैं बाबू 300 बाई में 12 नीचे भेज सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको काटे तो इसको खैर हम लोग इधर ही करते हैं 4×3 फॉर्म में लेके आ देते हैं, फिर 4×12 तोड़ सकते हैं हम लोग 10 आ गया यानी 100 बाई में 25 यानी x² इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √25 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 हमारा मान आया। अब ये x मान लंबाई छोड़ा का नहीं है, लंबाई हमें क्या माना था 4x, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं लंबाई इज इक्वल क्या हुआ हमारे पास 4x, इसलिए क्या हो जाएगा लंबाई इज इक्वल टू 4×5 यानी 20, ये किस में आएगा डेसीमीटर में, क्यों, क्योंकि आयतन में किस में है डेसीमीटर में, 20 डेसीमीटर लंबाई आ गया, चौड़ाई कितना आ गया बाबू हमारा चौड़ाई 3×5 डेसीमीटर यानी 15 डेसीमीटर। यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए क्या था बाबू हमारे पास, थोड़ा सा रिपीट कर दें हम एक बार, आप नोट डाउन कीजिए तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। देखिए अब क्या था वो हमारे पास,
तीन थॉमलों का ड्राम है, जिस ड्राम में 800 लीटर, 725 लीटर और 575 लीटर हमें जल दिया हुआ है। उन जल को उठा के हमें एक हौज में डालना है। तो हमने हौज में डाला, हौज में उस जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, तीनों का योगफल यानी अर्थात 2100 लीटर। ठीक, तो हमने ये डाटा यहाँ पर लिख दिया। अब जब हम लोग का हौज का जो जल का मात्रा है वो 2100 लीटर आ रहा है, मतलब वही उस हौज का आयतन होने वाला है। लीटर का हम लोग डेसीमीटर क्यों बदल सकते थे, हमने बदल दिया। और बर्तन की गहराई उसने 7 डेसीमीटर दे रखा था और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था, तो हमने लंबाई को 4x मान लिया, चौड़ाई को 3x मान लिया। ATP जो ये आयतन है हमारे पास, कैलकुलेशन से भी वही आयतन आने वाला है, तो हमने वहाँ से लिख दिया। तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमने निकाला यहाँ से। तो हमने कैलकुलेशन किया तो x का मान आया हमारा 5 डेसीमीटर। तो हमने लंबाई को क्या माना था 4x, तो हमने 4x यानी क्या हो गया, x का मान बैठेंगे तो क्या हो जाएगा 4×5 एंड 20 डेसीमीटर या 15 डेसीमीटर। ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गया। तो क्वेश्चन तो हम लोग का शायद फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हुआ, इसके बाद एक और पोर्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे, मिटा दे इसको, इधर ही मिटा देते, इतना हो जाएगा हम लोग का सेकेंड पार्ट में। हम लोग बात कर लेते हैं सवाल का जो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये सब सवाल देख देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये नहीं कि भैया इसमें फर्स्ट पार्ट होता था सेकेंड पार्ट दिया, ये वो बात समझिए। जो आपका मेंसुरेशन है वो बहुत अच्छा पोर्शन है आप लोग का 10th क्लास में। अगर 10th क्लास में अगर कुछ आपको अच्छा से सीखना है तो मेंसुरेशन ट्रिक वगैरह ही तो सीखना है, यही सब तो काम आएगा आपको। वो सब तो थ्योरम वगैरह जो है वो सब तो ये समझिए मार्क्स दिलाने के लिए कंसेशन वगैरह है, वो सबको खास उतना मतलब उसमें समझने लायक उतना कुछ है नहीं, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वो ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में देखिए हमसे क्या बोल रहा है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, काम ही तो है ही नहीं इसका। नोट कर लिया ना, नहीं नोट किया तो खैर आप लोग के पास तो अभी वीडियो है, बैक कर लीजिए और जाकर नोट करके फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, वो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, यदि आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर हो, आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर हो तो 620 लीटर तेल उस बर्तन में रखा जा सकता है या नहीं, हिसाब करके आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सीधा बात समझिए कि चौड़ाई तो वही रहेगा और लंबाई वही रहेगी, केवल बोला है कि गहराई बस ऊपर नीचे हो। तो हम लोग का आयत घनाकार बर्तन की लंबाई ले लेते हैं, फिर यहाँ पे चौड़ाई ले लेते हैं। क्या हुआ हम लोग का लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना है 20 डेसीमीटर, चौड़ाई कितना है 15 डेसीमीटर। अब इसका आप आयतन निकाल लीजिए, डेसीमीटर है डेसीमीटर क्यूब में आएगा, जो आयतन आएगा अगर आपका वो 1620 से ज़्यादा आ रहा है तो अट सकता है, नहीं तो नहीं अट सकता है। ठीक है, देखिए तो आयत घनाकार बर्तन की हम लंबाई सॉरी आयतन, आयत घनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 20×15×25, 15×30, 30×5 यानी 1500 डेसीमीटर, यानी 1500 डेसीमीटर। तो हमें बोल सकता है आयत घनाकार बॉक्स, आयत घनाकार बर्तन में आयत घनाकार बर्तन में जल हो या तेल हो जो भी रखा जा सकता है, घनाकार बर्तन में 1500 लीटर जल या तेल, यूं ही बोले कोई भी लिक्विड रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। वो आपसे वही पूछा था कि 1620 लीटर जल रखा या तेल, जो भी तेल आपका मेंशन किया वहाँ पे, वो सवाल थोड़ा सा लिखने में लोग कन्फ्यूज हो गया है। कन्फ्यूज क्या मतलब, टाइपिंग मिस्टेक है, वो कहीं जल और कहीं तेल लिख दिया है। आप एक कोई भी मान लीजिएगा, आप या तो तेल मान लीजिएगा या तो जल्दी मान लीजिएगा, वो बहरहाल मैथ के पोर्शन से वो एक ही है, सेम लिक्विड है ना, सीधा बात हो तो लीटर में आने वाला है, बस मैथ को इतना मतलब होता है उससे, उसको मतलब नहीं है तेल है क्या जल है, उससे मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या आ गया, वो हम लोग का जो वो बोला फर्स्ट पार्ट, तो वो बोला गया था फर्स्ट पार्ट, हमने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लिया था। सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि अगर हम जो गहराई है उसको 7 से घटा के
पाँच कर दें और चौड़ाई वही रखे, लंबाई वही रखे, तो क्या उसमें हम 1620 लीटर जल रखना चाहें तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो हमने आयतन निकाले, 1500 लीटर आ रहा है, जब जिसमें 1500 लीटर हटेगा उसमें 1620 कैसे हट सकता है? हम लोग का नहीं हट सकता, तो आप लिख दीजिएगा 1620 नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अब जो बर्तन है उसका आयतन उसमें कितना आ रहा है, 1500 डेसीमीटर, उसमें जल कितना हटेगा, 1500 लीटर हटेगा। चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कितना नंबर है, 21 नंबर, ये भी तो लगभग सेम ही है, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, तो ये भी ओवरऑल लीटर वाला ही दे रहा है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम बात करते हैं। पढ़ लिया आपने 21 नंबर सवाल, ये क्या दिया हुआ है, क्या साथ फ्लैट वर्ट का लीटर उटर पानी रख पा रहा है इसमें भैया, ये हम लोग से टंकी बनवा रहा है। तो मैथ ओवरऑल देखिए हर जगह मैथ यूज होता है, तो इसीलिए वो रियल लाइफ से प्रैक्टिकल एग्जांपल सब लिया गया है, परेशान नहीं हो तो अभी हम दिखाते हैं आपको, बहुत ईजी है। जैसे आप देखिए 20 नंबर कितना ईजी लगा आपको, लेकिन कब तक देखिए परेशान हो रहे थे, तो लेकिन देखिए 20 नंबर बहुत ईजी है, तो ऐसे हम लोग 21 नंबर बहुत ईजी है। देखिए मैथ का सवाल बहुत ईजी होता है, इन द केस आप एक बार आप समझ गए ना तो कुछ लगेगा ही नहीं, आपको मजा आएगा उसमें, तो चलिए मजा लेते हैं। तो 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, हमारे तीन तल्ले फ्लैट में तीन परिवार के लिए क्रमशः 1200 लीटर, 1050 लीटर, 950 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। ये कोई हमारे है यानी एक इंजीनियर है जो भी है, उसको पता है ये तीन तल्ला फ्लैट है, ये हम लोग का तीन तल्ला फ्लैट है, भाई कोना में क्या निकला है, अरे हम बता रहे हैं ताकि समझ में आए आपको। ये हम लोग का फर्स्ट है, फर्स्ट फ्लोर है, ये हम लोग का सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड, तीन तल्ला हो गया। ठीक है, अब देखिए क्रमशः इसको हम लोग का 1200 लीटर की जल की आवश्यकता है, इस घर में कितना जल चाहिए बाबू, 1050 लीटर, इस घर में कितना चाहिए, 950 लीटर। देखिए जो टंकी बैठता है ऊपर ही ना कहीं बैठाया जाता है, ऊपर बैठाया जाता है और उसमें से सबको सप्लाई दिया जाता है, तो टंकी तो उस हिसाब से ही बैठाया जाएगा ताकि सबको जल मिल सके। ठीक है, बात समझ में आया, तो इसलिए तीनों का कितना हो सकता है वो हमें देख के चलना होगा। ठीक, तो अब देखिए ये बोल रहा है कि इतना हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ में आया, अब देखिए अब आगे आपको और एक लाइन में क्या मेंशन रखा है उसने, बोला आवश्यकता मिटाने के बाद भी 25% जल वहाँ मौजूद रहे, ऐसे हौज को बिठाने के लिए 2.5 मीटर लंबी या 1.6 मीटर चौड़ी जगह प्राप्त है, तो हौज की ऊंचाई कितनी रखनी होगी ज्ञात करें। अब बात समझिए, एकदम रियल लाइफ में आप इसको सोचिएगा ना, बहुत मजा आएगा, वाकई मजा आएगा। देखिए आप सपोज कीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं, मान लीजिए किसी का सपना हो बनना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि एक इंजीनियर है, इंजीनियर भी ओवरऑल मैथ पढ़ के ही बनाया था तो इंटरेस्ट रहना चाहिए ना। देखिए आप सपोज कीजिए कि एक इंजीनियर है, आप कहीं गए, वहाँ का जो भी फ्लैट व्लैट का जो भी मालिक को लिखा उसने आपसे बोला कि देखो भाई यहाँ पे हमारा तीन गो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इसमें फर्स्ट फ्लोर में आवश्यकता जल की कितनी पड़ रही है, 1200 लीटर, 1050 लीटर और 950 लीटर जल हम लोग का टोटल लग रहा है। ठीक है, आपने बोला चलिए कोई आपत्ति नहीं है हमें। उसने एक और कंडीशन रखा, बोला भाई देखो तुमको एक हौज ऐसा बनाना है जिसमें इतना जल तो लगे ही, इसके साथ 25% यानी जो कुल जल है उसका 25% जल हमेशा उसमें मौजूद रहे कि किसी के घर मेहमान उमान आ जाए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, वो बोला चलिए भाई ये भी आपका ठीक है। तब उसने बोला इसके साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, क्या, तो आपके पास लंबाई चौड़ाई तो फिक्स है, लंबाई चौड़ाई तो आपको इतना ही दिया है, लंबाई और हमने चौड़ाई आपको इतना ही दे रखा है, ये जो लंबाई है और इधर हमने आपको चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, ओवरऑल ये लंबाई चौड़ाई हमने आपको दे रखा है, आप ऊंचाई जितना भी चाहें उतना भी बढ़ा ले, जितना भी चाहे उतना भी बढ़ा ले, आपको अलाउ है, यानी ऊपर लेके जाइए, ऊपर में क्या आपत्ति, ऊपर में तो हमें भी कुछ बनाना नहीं है, आप ऊपर जितना भी चाहें लेके जाके इस टंकी को बैठा सकते हैं। तो इंजीनियर बाबू उठे बोले ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या आपत्ति, हम तो ठहरे मैथमेटिसियन हैं, दो मिनट लगे अभी कैलकुलेट कर देंगे कितना ऊंचाई बढ़ाएंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वही देखना है हमें। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये कुल जल देखिए, कुल जल कितना आ रहा है, जो भी आए उसका 25% निकालिए, फिर आपको पास कितना जल के जो जल की आवश्यकता है, कुल जल मतलब आपको हौज में जल अटना चाहिए, कितना अटना चाहिए, ये प्लस इसका 25% हो गया, और उसके बाद हौज कभी, इसलिए हौज का आयतन हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, अब उसके बाद हौज का आयतन लंबाई चौड़ाई को दिया ऊंचाई निकाल लीजिए, काम खत्म। ये भैया अब सब तो बोल दिया, नहीं समझ में, चलिए अब हम लोग अब करना शुरू करते हैं, बातें बहुत हुई, दिया गया है कि ठीक है,
प्रथम तल्ले परिवार के लिए आवश्यक जल, ऐसा लिख सकते हम लोग, प्रथम तल्ले परिवार परिवार के लिए आवश्यक जल की मात्रा, आवश्यक जल की मात्रा कितना हुआ हमारे पास 1200 लीटर, 1200 लीटर। ऐसे ही द्वितीय तल्ला हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये हम लोग का सेकेंड फ्लोर, और वैसे ही तो द्वितीय तल्ला भी आ जाएगा। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि भैया ऐसे ऐसे दूर दूर भाग रहे तो हम भी भाग जाए, आप लोग को अलाउ नहीं होता ये चीज़, अलाउ तो होता है बट इंजामिनर कभी कभी डेंजर मिल गया आपको तो फालतू में इसके लिए भी नंबर काट देगा आपका, सब मेहनत बर्बाद है। कितना हुआ हमारा 950 लीटर। अब यहाँ ये सब दिया गया डाटा है, हम लोग लिख दें कुल आवश्यक जल तीनों परिवार के लिए, कुल आवश्यक जल तीनों परिवार के लिए, ये देखिए मिलता जुलता ही सवाल नीचे वाला के साथ, ठीक है, इसके पहले जो सवाल 20 नंबर, तीनों परिवार के लिए कुल आवश्यक जल, कुल आवश्यक जल इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो 1200 प्लस 1050 प्लस 950, ठीक है, आप इसको अब ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए तो ये 000 यानी 1050 प्लस 950 कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे आपका ये हो गया 2000, 0 5 10 1 9 1 10 1 2, 2000 प्लस 1200 यानी 3200 लीटर, कितना होगा हमारा 3200 लीटर, ठीक है, यानी अब तीनों परिवार को जल की आवश्यकता कितनी पड़ रही है, 3200 लीटर हमें तीनों परिवार के लिए जल की आवश्यकता पड़ रही है। अब एक और उसने बात बोला है कि 25% यानी कुल आवश्यकता जल, कुल आवश्यक जल का, यानी जितना आवश्यकता है कुल आवश्यक जल का 25%, हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे बाबू, कुल आवश्यक जल का 25%। भैया ये कैसे निकालते हैं, ये तो हमने बताया है फिर भी एक बार रिवाइज करा दे आपको, हम लोग पास फार्मूला क्या होता है बाबू, परसेंटेज इज इक्वल टू यानी प्रतिशत इज इक्वल टू यूज वैल्यू यानी प्रयोग राशि, प्रयोग राशि बाई में कुल राशि टोटल वैल्यू, ठीक है, इसके साथ वैल्यू नहीं, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो भी समझे समझ लीजिए जैसे भी आपने पढ़ रखा हो, ये चीज़ हो गया। अब हालांकि हम एक ही लैंग्वेज में आ जाते हैं, बाई लैंग्वेज बोलने के चक्कर में आप लोग समझ में आएगा नहीं कुछ तो ज़्यादा डेंजर हो जाएगा, ये प्रयोग राशि बाई में कुल राशि इंटू 100 ये आ जाता है। तो यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है बाबू, परसेंटेज दे रखा है कितना बाबू 25, तो आप लिख दीजिए चुपचाप, प्रयोग राशि हमें खैर निकालना है तो प्रयोग राशि की जगह पर प्रयोग राशि रखिए, प्रयोग राशि कुल राशि कितनी है 3200, तो बैठा दीजिए 3200 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 0 से 0 गया, यहाँ ये 0 से 0 गया, अब यहाँ ये क्या हो जाएगा त्रियगुणा, यानी 25 × 32 इज इक्वल टू प्रयोग राशि, प्रयोग राशि। अब आप 25 × 32 कर लीजिए, 25 × 32 क्या हो जाएगा 500, यानी ओवल 85 आने वाला है, 5 × 10 = 1, 5 × 10 = 15, 15 × 16 = 5, 10 = 0, 5 × 15 = 16, ठीक है, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 10 = 1, 6 × 7 = 8, 800 लीटर, यानी ये कितना आ गया बाबू हमारे पास 800 लीटर। अब इंजीनियर साहब यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, अब आगे देखिए, अब इंजीनियर साहब के पास एक डाटा मिल गया, जो आप इंजीनियर बने हैं अभी के लिए ना, आप लोग मेहनत कीजिए, जिसका हकीकत में सच में ड्रीम होगा वो सही में भी बन जाइएगा, ठीक है, बस यही आपको 10 में मेहनत करनी है, फिर 11, 12 आपको देख लेनी है, बस उसके बाद फिर आपको IT कॉलेज वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आप लोग 10 पास कीजिए फिर हम लोग देखेंगे 11, 12 भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये आपका आ गया
अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3200 लीटर इसके जल के आवश्यकता है और 800 लीटर हम लोग का एक्स्ट्रा में रखना है, यानी हौज में कुल जल होना चाहिए, यानी हौज में जल कुल जल होना, हौज में कुल जल की मात्रा, हौज में कुल जल की मात्रा होनी चाहिए, हौज में कुल जल की मात्रा होनी चाहिए इज इक्वल टू कितना भाव, कुल परिवार के लिए आवश्यक जल 3200 प्लस एक्स्ट्रा में 25% हम लोग इमरजेंसी के लिए रख रहे हैं इज इक्वल टू 4000 लीटर। तो यहाँ से एक बार हम लोग बोल सकते हैं क्या बाबू, हौज का आयतन कितना है, हौज का आयतन बाबू 4000 लीटर बोलिए या 4000 डेसीमीटर क्यूब बोलिए, क्यों नहीं तो ये भी आप कन्फ्यूज होइएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है ये आपके पास आ गई। अब देखिए अब हम लोग जो डाटा दे रखा है उससे हम लोग जाके हौज का आयतन निकाल के ATP कर देंगे, बाकी ऊंचाई तो हमें निकल ही जाएगी क्योंकि उसने लंबाई चौड़ाई दे रखा था। कहाँ गया, हौज के लिए पर्याप्त मतलब हौज की लंबाई कितनी होनी चाहिए बाबू 2.5 मीटर, ये डेंजर कर दिया है, तो हौज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हौज की चौड़ाई 1.6 मीटर। अब देखिए हम लोग पास हौज की लंबाई और चौड़ाई आ गई, हौज की ऊंचाई निकालनी है तो हौज की ऊंचाई को खैर हम लोग हौज की ऊंचाई इज इक्वल टू एच मान लिया हमने, ये दिया गया है, ये भी हमें दिया गया है, ठीक है इतना तक तो आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हौज का लंबाई उसने बोला है कि 2.5 डेसीमीटर है, सॉरी 2.5 मीटर है, लेकिन हमारा ओवरऑल जल से हम लोग जब प्रोसेस करके आए तो हमारा आयतन किस में आ गया, डेसीमीटर में आ गया, यानी ओवरऑल डेसीमीटर क्यूब, यानी इसको भी डेसीमीटर होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, तो हम लोग इसको बदलेंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है मिटाने वाला हमारा कहाँ भाग जाता है बार बार, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू 2.5 को हम लोग जब चेंज करेंगे डेसीमीटर में, फिर लिखे या लिख देते तो अच्छा रहता, कैसे है ऐसे बार बार पढ़ते रहिए आप लोग भी, कैसे है डांस बोले तो मेरे पास कैसे है डांस म्यूजिक दोनों क्षम, यहाँ पे देखिए M है, M से हम इधर जाना है, यानी 10 से गुणा, यानी इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 × 10, ओवरऑल पॉइंट रूम कीजिएगा तो नीचे में 10 कट गया, यानी ओवरऑल 25 डेसीमीटर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 25 डेसीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू मान फिर ये भी चेंज होगा तो वैसे ये 10 डेसीमीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हौज का आयतन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4000 डेसीमीटर क्यूब। अब हम 4000 डेसीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हौज का आयतन क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4000 डेसीमीटर क्यूब, लंबाई कितनी है बैठा दीजिए 25, चौड़ाई हमारे पास कितनी है बाबू 16 इंटू एच कितना है, ये हमारे पास 4000। अब एच आप यहाँ से कर सकते हैं 4000 बाई में 25 इंटू ऑफ 16, ठीक है 4×4, 4×16 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ओवरऑल क्या है ऊपर में, यहाँ पे हम कुरम लेके जा रहे हैं, एच इज इक्वल टू क्या आ गया 1000 बाई में 25 इंटू 4, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग 25 से काट दें तो 2500 को 100 हो जाता है 4, अब यहाँ ऊपर में 40 बाई में 4 आया, यानी इसे मत काटिए आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ऊपर में क्या आया देखिए 4×16 नीचे में 4 आया है और यहाँ पे क्या 25 को 25 उतार दीजिए, अब यहाँ जब ये 4 से कटा है 4000 1000 आ जाएगा। अब देखिए
25 चौको 100 यानी ये 4 हो गया, यानी h कितना आया हमारे पास 40 बाई में 4 यानी 10, यानी h कितना आया हमारे पास 10 डेसीमीटर। h कितना है 10 डेसीमीटर, याद रखिएगा 10 सब डेसीमीटर में आएगा, या हम इसको 1 मीटर बोल सकते हैं, यानी ऊंचाई कितना रखना होगा बाबू उस हौज का 1 मीटर या 10 डेसीमीटर, ऊंचाई कितनी रखनी होगी 1 मीटर या 10 डेसीमीटर। ठीक है, ये हो गया। आगे और कुछ दिया क्या इसमें, इसमें भी और दे रखा है इसने, चलिए ठीक है, ऊंचाई कितनी आएगा हमारे पास 10 डेसीमीटर या 1 मीटर। वो वाला इसमें समझ में आया, देखिए क्या था हमारा, तीन परिवार था, तीन तो फ्लैट था, हमने तीनों फ्लैट में औसत जल देख लिया, कितना औसत जल लगेगा 3200 लीटर, उसका 25% हमें एक्स्ट्रा में रखना था, परसेंटेज हमने निकाल के वहाँ से 25% 800 लीटर आया, और उसके बाद हमने देखा कि हौज में कुल जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हमने 3200 प्लस 800 यानी कितना आ गया 4000 लीटर। तो इसलिए जब हम लोग वहाँ से एक कंक्लूजन पर गए कि हम लोग हौज का जो आयतन होने वाला है 4000 डेसीमीटर होने वाला है, क्यों, क्योंकि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। फिर हम लोग हौज का लंबाई इतना था, चौड़ाई इतना था, ऊंचाई हमने मान लिया, तो लंबाई को हमने डेसीमीटर मतलब चौड़ाई को डेसीमीटर मतलब, क्योंकि ओवरऑल आयतन हमारा डेसीमीटर, वहाँ से हमने गुणा किया, कैलकुलेट करने के बाद से हमें ऊंचाई कितना मिल गया 10 डेसीमीटर या यूं बोले 1 मीटर। ये हम लोग का सवाल का फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया है, इसका भी सेकेंड पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आप फर्स्ट पोर्शन नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं सेकेंड पोर्शन पर अपना, बताइए इसको। चलिए अब हम लोग फिर चर्चा करते हैं अपना सेकेंड पोर्शन का क्या दे रखा है हमें, फिर हम लोग फिर फर्दर देखते हैं आगे क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या रखा हो, यदि यदि उस जगह की चौड़ाई 8 डेसीमीटर अधिक होती तो कितना गहरा टैंक खोदना होता, इसमें भी बहुत भयंकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट यानी इसका आप द्वितीय प्रश्न अनुसार ऐसे बोल सकते हैं या द्वितीय शर्तानुसार बोल सकते हैं। क्या बोल रखा हुआ इसने कि यदि यदि उस जगह की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होती, यानी चौड़ाई जो है सॉरी ये गलती इसीलिए, हाँ नहीं नहीं यहाँ पे 16 ही बैठा है हमने ना, ये देखिए 16 होगा ना, हमको लगा पूरा गलत कर दिया हमने, यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना होगा हम लोग का 16 डेसीमीटर है, और बोला कि अगर वो 4 डेसीमीटर होती यानी द्वितीय शर्तानुसार, हम लोग यूं बोले ऐसे भी लिख सकते हैं आप द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो हौज की लंबाई तो वही रहेगी, हौज की लंबाई हमारा वही रहेगी 25 डेसीमीटर, वो बोल रहा है कि चौड़ाई आप 4 अधिक कर लीजिए, यानी हौज की चौड़ाई 4 अधिक, मतलब क्या हो गया पहले 16 था और प्लस 4 डेसीमीटर और आ गया, यानी ये न्यू कितना बन गया 20 डेसीमीटर। तो हौज की ऊंचाई वो पूछ रहा है, हौज की ऊंचाई वो हौज कितना गया, हौज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हौज की ऊंचाई को हम लोग एच फिर इसमें भी मान ले रहे हैं, इसमें कैपिटल एच मानी नहीं तो आप लोग दोनों एच में कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हौज का तो आयतन वही रहेगा, आयतन में नहीं बदलाव किया है, ठीक है आयतन वही रहेगा, उसी कंडीशन में पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि चौड़ाई वो जो मालिक है वो बोला कि अगर मान लीजिए हम ऐसा करें इंजीनियर साहब चौड़ाई को 4 ऊपर नीचे और मतलब 4 और बढ़ा दे तो क्या आपका ऊंचाई कम होगा, क्या ऊंचाई ऊपर ज़्यादा चल जा रहा अच्छा लग रहा है, तो सब चलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं कितना ऊंचाई होना चाहिए। तो हौज का आयतन, हौज का ये देखिए इतना बड़ा बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है इसको देगा तो दोनों सवाल को अलग अलग तोड़ देगा, या तो आधा पोर्शन वो वाला देगा या आधा पोर्शन वो वाला देगा, थोड़ा सा लॉन्ग में चेंज कर देगा। ठीक है, हौज का आयतन इज इक्वल टू 4000 डेसीमीटर क्यूब, हम लोग प्रश्नानुसार लिख सकते हैं ATP, हौज का आयतन इज इक्वल टू 4000 डेसीमीटर क्यूब। अब हौज की लंबाई कितनी है 25 इंटू हौज का चौड़ाई कितना हो गया 20, ऊंचाई तो h ही है खैर 4000, अब यहाँ से आप इसको भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू 4000 बाई में 20 इंटू 25, अब इसको हम लोग काट देंगे तो 2 आ गया, यानी h इज इक्वल कितना आ गया बाबू 200 और 25, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 को 100 यानी 25 को 8, यानी h इज इक्वल कितना आ गया बाबू हमारे पास, h का मान कितना आ गया 8
डेसीमीटर। यानी प्रथम शर्त में हम लोग का ऊंचाई कितना रहना चाहिए, 10 डेसीमीटर या 1 मीटर, और दूसरा शर्त में कितना होना चाहिए, 8 डेसीमीटर, यही उसको भागा दीजिएगा तो 0.8 मीटर आ जाएगा आपका। जो भी आंसर होगा आप वहाँ से मैच ओवर करके लिख लीजिएगा। तो ये बाबू हम लोग का था 21 नंबर था ना भैया, आप इतना जल्द नंबर मिल जाते हैं। हाँ 21 नंबर था। अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग 22 नंबर देखने वाले हैं। आप लोग ओवरऑल 22 नंबर का सवाल को ट्राई कीजिएगा, तो ट्राई करके आइए। वो किससे मिलता जुलता है शायद, हाँ 12 नंबर जो सवाल हमने कराया था चाय का बॉक्स वाला जो है, ये वाला 12 नंबर सवाल एकदम सेम हुआ वही सवाल है, थोड़ा सा उसमें ओवरऑल ऊपर नीचे किया है। आप ट्राई तो करके आइए, फिर नहीं होगा तो हम तो है ना, ठीक है। और हाँ आपसे एक और बात पूछनी थी हमें, हम लोग जब खैर हम जब ऑफलाइन पढ़ाते तो MCQ वगैरह हम नहीं कराते थे, क्यों, क्योंकि हम छोड़ देते बच्चा पे, जितना वो बच्चा धीरे धीरे ट्राई करेगा धीरे धीरे बनते जाता है। तो अगर आप लोग वो भी चाहते हैं कि अगर आप लोग MCQ ट्राई करेंगे खुद से तो हम MCQ नहीं कराएंगे, न्यू चैप्टर में उस टाइम पे बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं MCQ कराएंगे तो हम करा देंगे। आपका जो भी विचारधाराएं होंगी इसको लेके MCQ के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है, यानी आपका देखिए 23 नंबर के बाद 24, 25, 26 जो भी किसमें क्वेश्चन दिया होगा, 24 और 25 ही दिया है बस, मतलब 24, 25 क्या हमको कराना चाहिए MCQ पोर्शन या नहीं कराना चाहिए, आप लोग की विचारधारा है, आपका मर्जी बोल दीजिएगा। और उसके बाद फिर अगर नहीं कराना हो तो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 22-23 को देख के इसको चैप्टर को ही डेफ हम लोग कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।